अजहर खान, मुंबई से यहाँ की पाक सरजमी पर आकर तुमने जिहाद के लिए तालीम ली है और हिंदुस्तान में अल्लाह की सल्तनत खड़ी करने की कसम खाई है। तुम इस्लाम के सच्चे बंदे साबित हुए हो। तुम्हें जिहाद के रास्ते में पहला काम दिया जा रहा है। मसूद भाई को हिंदुस्तान के काफिरों ने कैद कर लिया है। इस्लाम का ये दिलेर फौजी पूरी दुनिया में अल्लाह का नूर बढ़ाने वाला जिहादी है। वहाँ इस्लाम के हमारे बंदों से मिलो और इस पाक काम को अंजाम दो। यह हुक्म मेरा नहीं, खुदा का है। काफिरों के खिलाफ इस लड़ाई में अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा। फी एमानुल्लाह। बूढ़ों को मारना गुनाह है, जुर्म है। क्या हमारे कुरान में हदीस में कहा नहीं गया? जानते नहीं क्या है? ये साला हिंदू लोग गुजरात में हम लोगों को बकरे की तरह काटा है, हम भी इनको। कौन किसको मारा? हाँ, ये उधर गुजरात में। अरे पागल हो गए सब लोग। अहमदाबाद के दंगे के लिए वो, गोधरा की आग के लिए हम, बाबरी मस्जिद से हम, अयोध्या मंदिर से वो, इस तरह लड़ते गए तो कोई नहीं बचेगा, पूरा कब्रिस्तान हो जाएगा। अरे जब इंसान ही नहीं तो कब्र से मजहब थोड़े चलेगा। अरे सोच रे, सीधा सोच। ए, हम जैसे मुसलमानों के इस तरह की बात करते हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों काटा इन लोगों को? हाँ, क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका? अरे तेरे भाई को मारा, हाँ, अरे तेरी बहन को मारा, अरे तेरी अम्मी जान को मारा, इनका गुनाह क्या है? बेचारे, अरे कहाँ से आ रहे हैं, नाम क्या है, पता क्या है, कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी गैरों से दुश्मनी क्यों? हम जैसे मुसलमानों का ऐसी बात कर रहे हैं? मुसलमान मुसलमान, तू मुसलमान है रे? परसों ही जेल से छूट कर आया है, जुर्म को मार दिया इसने और ये बोल रहा है मुसलमान। अरे तेरे जैसे लोगों के वास्ते हमारा इस्लाम शर्मिंदा होकर सर झुका ले रहा। तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए? अरे तू निकल, निकल यहाँ से। बोला ना अमजद, बाद में पछताओगे। एक भी कदम आगे बढ़ा तो जान से मार डालूंगा। अल्लाह अकबर। अरे ओ खाजा सेठ, प्रॉब्लम क्या है तेरा? आज सुबह सुबह इन दोनों बच्चों को डांटा तुमने, क्या समझे इनके पीछे मैं हूँ? प्रॉब्लम क्या है, बोल बोल। बोला तुम? बोला मैं बोलूँ? 6 महीने भाड़ा नहीं दिया तो जेल भेज दोगे? कटोरा पकड़ाने की धमकी देते हो? जुबेदा है अंदर? जुबेदा क्यों? अरे ओ जुबेदा, एक कड़क चाय लाना मेरे लिए। ए जुबेदा, चाय मत ला। इधर 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 बात करो, मेरे से बात करो। क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है हमारे बारे में? बोलो बोलो सेठ। बर्बादी की औलाद। ए सेठ, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो। हाँ, किसका रिस्पेक्ट? ए छतरी लाना। क्यों रिस्पेक्ट? अरे फेस देख, फेस देख, शाहरुख खान बहुत बड़ा हीरो बनेगा ये, और ये है डायरेक्टर मुन्ना। हाँ, बगैर कुछ डायरेक्ट किए हुए, वो भी देख लेंगे। ये भाग जाएंगे क्या? ये जेल का क्या चक्कर है? अरे जुबेदा। जुबेदा क्यों? कैसे जुबेदा क्यों? अरे कुछ नहीं साहब, आपके ऑटो से गुजारा करता हूँ, किराया देना है ना। मैं यहाँ आ रहा था तो ये मिल गए, पकड़ कर लाया। क्या साहब, ये किराया नहीं देते हैं? वही तो बोल रहा हूँ। अरे छोटू गलत है। तुम अंदर चलो। क्या रे, यूपी से यहाँ आकर मुंबई के भाई पर रॉब जमा रहा है? कितनी मुश्किल से जमाया है, तू ठहर जुबेदा। जुबेदा नहीं मैं, तुम अंदर चलो। हाँ। ए तू शाहरुख खान है तो क्या हुआ? देख ऑटो का रूट बदला क्यों? ऐसा नहीं साहब, आपका ऑटो चलाया, किराया दिया, उसी तरह ये तुम अंदर चलो। हाँ। चलो इतनी हमदर्दी है तो इनका किराया तू दे। साहब इतनी बड़ी बात बोल। अरे अब भी देता हूँ मैं, अरे अभी देता हूँ मैं। इंस्पेक्टर, मैं एसएम ख्वाजा बोल रहा हूँ। ऊपर रहने वाले दो बर्बादी ने मेरे तेल की दुकान से 2 तेल के डिब्बे चुरा लिए हैं। तुम इमीडिएटली ले लो। मत आना, शुक्रिया। लो तुम अंदर चलो। चलो तो बेटा तुम बाहर चलो। बुढ़ा साला।
माँ, अरे वो चिल्लाता क्यों है? देखो ना कौन आया है, शाहरुख खान। लो माँ आ गई। अम्मा, सलाम अलैकुम। जीते रहो, जीते रहो। लो बेटा, एक मिनट। अरे वो डायलॉग बोला, वो माँ वाला डायलॉग। अरे बहुत बढ़िया डायलॉग बोलता है। बोल बोल बोल। अरे पहले खीर तो खाने दो। अरे पहले वो डायलॉग बोल, डायलॉग बोल, डायलॉग बोल। एक्शन। माँ, सृष्टि का स्वरूप है माँ, अनुराग की मूर्ति है माँ, आशा की किरण है माँ, अच्छाई की खुशबू है माँ, प्यार का दूसरा रूप है माँ, साक्षात भगवान है माँ। माँ माँ माँ। अरे सुपर डायलॉग छोटू, सुपर सुपर सुपर। अरे माँ, क्यों रो रहे हो तुम? हाँ, क्यों रो रहे हो तुम? अम्मा, छोड़ो छोड़ो माँ। मेरा बच्चा अजर बहुत ज्यादा दर्द। अमजद भाई, क्या हुआ अमजद भाई? ठीक है माँ, ठीक है। अजर मेरा छोटा भाई, तेरे जैसा ही शरारती था, बहुत प्यारा था वो। हमेशा की तरह 2 साल पहले बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। सारा का सारा शहर चल रहा था, कर्फ्यू, मारकाट हो रही थी। वो घर में नहीं था, हम डर गए, सब छान मारा। तभी भिवंडी में एक थिएटर जला दिया। वो बेवकूफ भी अपने इब्राहिम चाचा के लड़के के साथ उसी थिएटर में गया था। भाग चले हम, कुछ भी नहीं था वहां पर, पहचान न सके, सिर्फ चली हुई लाशें, राख ही राख। अरे माँ छोड़, माँ मालिक की मर्जी थी, हम क्या कर सकते हैं? अरे देख, अल्लाह ने भेजा है अजहर भाई को, ये एक बेटा और ये दूसरा। आज अजहर का जन्मदिन है, तू रोना मत माँ। दे 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 दे, ये कपड़े अपने हाथों से दे दे। तू भी ले, तू दे ना। जीते रहो बेटा, मेरी उम्र भी तुम लोगों को लग जाए। चल 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 चल, अब खीर खाए, खीर खाए, खीर खाए। अपने हाथों से खिला दे माँ, अपने हाथों से खिला दे। लो अब तू रो मत माँ। और से सुनो, सबसे पहले मसूद भाई कहाँ है पता करना है, भैया को बाहर लाना है। चाहे जहां भी हो, हमें भैया चाहिए, भले हमारी जान जाए, अल्लाह के लिए। नाइट इफेक्ट है, कुत्ते भौंक रहे हैं। तू सजेशन में आएगा, तू टाइट सजेशन में। उधर देख, हाँ, विलेन रिवील होता है। कट किया, विलेन पे शॉट, अगेन ट्रॉली मूव्स, द सेम एक्सप्रेशन यू मेंटेनिंग, स्लोली ड्रिजलिंग स्टार्ट होता है। चक चक चक, फोर शॉट्स में टाइट, टाइट क्लोज में टाइट स्क्रीज। विलेन को घूर के देख रहा है तू। बेचारी बहुत डरी हुई है रे। बहुत डरी हुई है कौन? ओ माँ जी, पैसे दो। जरा ठहर, जा कहाँ रही हो? ले पकड़। ये क्या 50 दो? 50 बाप का आगे क्या चरण? ए, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। पेट्रोल का भाव क्या मुझसे पूछ के बढ़ा है? अरे तूने पेट्रोल डालकर गाड़ी चलाई, घास लेट मिलाया। अरे आते वक्त पूरा धुआं धुआं धुआं, बहुत खांसी आ रही है। अरे भाई समझती है क्यों नहीं? अरे पैसे तो डरो डरो, कहां जा रहे हैं? चलो जबान संभाल कर बात कर। हां समझी, कि चवन नहीं रख, हमका अंदर जाने दे बेटा। ओए क्या गड़बड़ है? अंदर नहीं जाना बोले तो नहीं सुन रहा सर। पास लोग अंदर नहीं जाने दे रहे, मेरी बेटी को हीरोइन बन जाने दो। तुम सब ओए की गल है, हीरोइन बनना चाहती है? बिल्कुल सही टाइम पर आई है। अभी थोड़ी देर पहले शाहरुख खान फोन करके तेरी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए पूछ रहा था। एयरपोर्ट जा रहा था, बेंगलोर जा रहा था, कैंसिल। इधर ही ओके। शाहरुख खान? हाँ वही शाहरुख खान, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब बैठो ना। अरे राजू बन गया जेंटलमैन, मोहब्बतें
डुप्लीकेट दिल से, कभी हाँ कभी ना, दिल तो पागल है, अब तो बस आप ही उनकी हीरोइन हो, सुपर। फंस गई बेचारी भेड़े के हाथ में। कितने लोगों को बचाएंगे हम? वो लड़की बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। तुझे कैसे पता? बगल में उसकी माँ को देखकर। हम उस लड़की को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाएंगे। नई हीरोइन के साथ मैं काम नहीं करूंगा। ऐश्वर्या राय, कम से कम करिश्मा कपूर। चप्पल लेके मारूंगा। क्या रे, डिस्को डांस है ये? बुला तुम, बुला तुम, बुला तुम। एक्शन बोल भाई, एक्शन। ये मुन्ना क्या हुआ रे? डिंपल की चाल है ये। अरे जख्मी औरत फिर से देख तो पता चलेगा। ओके टेक एक्शन। हे भगवान। रुको रुको, कहाँ गई? उधर देखते हैं। अरे डिंपल की चाल भी इसे बुरी लग रही है, तो इसके डायरेक्शन में एक्टिंग कैसे करूंगा मैं? अरे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? अरे कौन है? बचाओ, ये लफंगी पुलिस, मेरी बेटी ही जिंदा हार जा रही है, मुझे बचाओ। ए कौन है, पुलिस से पंगा ले रहा है? अब आ डाल दूंगा अंदर, समझा? ओए भाग यार, भाग गया साले। देखा पुलिस की एक्टिंग? अरे डायरेक्शन सीख ले रहे। अरे कहां है झमक छल्लो? गांव के लोगों ने श्रीदेवी जैसी है, करिश्मा जैसी है कहकर भड़का दिया और दौड़ लगाते सीधे स्टूडियो में घुस गई। जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर खोल के बैठे हैं, तुम्हें हीरोइन बनाएंगे, हीरोइन बनाएंगे तेरे इंतजार में। चुप बैठ, चोर है सारा वो। शाहरुख और सलमान का नाम सुनाया और कार में बैठ के चली मोरनी। बड़ी आई हीरोइन बनने। अरे गाँव की लड़की है, दुनिया को जानता नहीं। दरअसल मैं यहाँ सालों से गाँव। जाने दे, लेडीज है, नौटंकी बंद करो। गोरी चमड़ी से हीरोइन नहीं बनते, नसीब चलता है, नसीब। लगता है इस बुढ़िया ने तेरा भेजा खराब किया है। ए सुन, चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वापस चली जा, शादी वादी कर दे इसकी, समझी क्या? एक चांस, सिर्फ एक चांस। मैं क्या हूँ साबित कर दूंगी। छोटे, ये डायलॉग कहीं सुना सा लगता है ना? कोशिश करना बुरी बात नहीं है, हिम्मत रखो। कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। तुम हीरोइन बनने तक इस घर में रह सकती हो। सारा, इसे अंदर लेके जाओ। छोटे, अच्छी क्लास थी। अमजद भाई। हाँ हाँ कैप्टन। वो तो ठीक है छोटे, पर ये पहन क्या रखा है? वो सर एक पुलिस वाले की जबरदस्त स्क्रिप्ट है साहब, शोले से भी बड़ी फिल्म बनेगी, क्यों बे? हाँ सर, सुपर हिट स्टोरी है सर। 70s में अमिताभ की जंजीर थी, 80s में ओमपुरी का अर्धसत्य, 90s में मनोज का शूल। सर इसके बाद पुलिस पे कोई फिल्म नहीं बनी है सर, ये बहुत सुपर हिट कहानी है साहब। हाँ साहब, इस फिल्म में अपना छोटे हीरो है साहब। बस एक चांस, एक चांस साहब। फीलिंग के लिए पुलिस ड्रेस पे घूमने के लिए मैंने कहा है सर। कैसा दिखता सर? अच्छा है, पर वर्दी में गोरखे जैसा लग रहा है। अमजद भाई, अमजद भाई, आप भी मजाक उड़ा रहे हैं क्या? मुन्ना, फिल्मों में पुलिस वालों को देखकर शर्म आती है। कम से कम तुम तो पता कर लो कि पुलिस क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका जीवन क्या है, उनकी वर्दी कैसी होती है। रिसर्च करो, रियलिस्टिक रूप में दिखाने की कोशिश करो। हम एक काम करें, एक पुलिस ऑफिसर मेरा जिगरी दोस्त है, प्रेसिडेंट मेडल भी जीत चुका है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, एक बार उससे मिलते हैं। कौन है साहब? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राधा कृष्ण तिवारी। उसके पास गन्स और RDX है, उसको लेने के बाद मुझे फोन करने की कोशिश करो। भाई पुलिस, रुक, 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 रु
और लादेन जैसे उग्रपंथी अपनी खुदगर्जी के लिए पवित्र कुरान का माने बदलकर आतंकवादी संस्थाएं बनाने की तैयारी कर रहे हैं सर। वे बहका रहे हैं कि इस्लाम की रक्षा नहीं हो रही है और वे बर्बाद होने का भय मुसलमानों में पैदा कर रहे हैं सर। नादान मुस्लिम युवाओं को भड़काकर उन्हें आतंकवादी बनाना और हमारे मुल्क को कब्रिस्तान बनाना उनका मकसद है सर। इसी तरह एक आतंकवादी संगठन का मुखिया है ये मसूद अजहर। खलील 2 years क्या है रही है तू? तो इंडियन नहीं है, यहां पैदा नहीं हुआ, जन्मभूमि को धोखा देने की तैयारी कर रहा है। इसका जोश निकालो, सब उगल देगा। राधा एसीपी साहब, यही है एसीपी राधा कृष्ण। राधा ये छोटे मेरा बहुत खास, फिल्मों में हीरो बनना चाहता, और ये मुन्ना फ्यूचर डायरेक्टर। क्या पूछना है पूछ लो। सर मेरे पास एक कमाल की स्टोरी है सर, मैं 3 साल से रिसर्च कर रहा हूं। सर पुलिस वालों पे, सर पुलिस की बॉडी लैंग्वेज जानना चाहते हैं। सर आईपीएस लोग हैं सर, आप लोग जो वो पहनते हैं सर, वो गेटअप के बारे में, वो स्टार्स और आपके जो वो सर पे वो जो कैप है सर, आप अगर पुलिस हेल्प कर देंगे तो मजा आ जाएगा, कहानी में मजा आ जाएगा। हमारे लैब पंजाब जी से देखा आप लोगों को कैप्टन, प्यास लगी है क्या भाई? समझ गए साहब। ये दिमाग खराब मत कर, फोन रख, बिल बहुत हो चुका है। आदाब साहब। आदाब साहब। खलील मिल गया साहब? नहीं सर, मुश्किल है साहब। अली खान साहब, उन्हें साहब बंजारा डिस्कोथेक में मिलेगा साहब, जुमे जुमे को उसको कहीं से पैसे मिलते हैं साहब, हफ्ते भर बंजारा डिस्कोथेक में मौज मस्ती करता है, छोक रहेंगे सर। मामा वो बंगला देख। हाँ गंगा, ईसा बंगले बहुत अच्छे हैं, का पता तू कब हीरोइन बनेगी। ए गंगा, अरे ऐसे क्या देख रही है, छोटे हूँ छोटे। अरे छोटे तू? हाँ। राजा के इधर किधर, किसी डायरेक्टर से मिल रही है क्या? हंसते क्यों है? बड़ा हीरो लेकिन डायलॉग नहीं आता। 130 टेक्स। टेक माने? अरे टेक माने वही क्लिप बोर्ड, बाद में खुद समझ जाएगी। 30 साल के एक्सपीरियंस में डायलॉग नहीं बोल सकता, उससे हटाकर मैंने डायलॉग बोल दिया गंगा। बस एक चांस गंगा, एक चांस, पता नहीं कब मिलेगा। 4 पेज के डायलॉग एक ही टेक में बोल दूंगा गंगा। इस फिल्म इंडस्ट्री में नसीब बड़ी चीज है, जो काबिल है सिर्फ उसी को मिलता है, इसलिए हमेशा तैयार रहो, जल्दी से डांस सीखो, एक्टिंग सीखो, फिल्में देखो, एक ही बार चांस मिलेगा गंगा, उसी में हिट मारना है। ओके
9800558555 आनंद सर और इनसे पता करो ये नंबर किसका है क्विक दत्त ये फोन भी ना सभी लाइन एंगेज है फोन काम कर रहा है कि नहीं फोन फोन बैंगलोर का कोड 080 चेक टेररिस्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मुस्लिम पाकिस्तानी ओके थैंक्स हाँ शुक्रिया थैंक गॉड ए अंधा है क्या तुम उस दिन गायब हो गए और अब मिले हो बड़ा गुंडा समझते हो अपने आप को मुंबई की लड़की मींस व्हाट हाँ क्या समझते हो तुम अपने आप को इडियट गुंडे कहीं के कितनी हिम्मत के यहाँ पकड़ रहे हो बचाओ हेल्प हेल्प ये गुंडा मेरा रेप कर रहा है बचाओ कोई आके मुझे बचाओ तुम जानते नहीं हो मुंबई पुलिस के बहुत से ऑफिसर को मैं जानती हूँ धक्का दिया 10 मिनट 10 मिनट्स तुम यही रुकना डांस करता है डांस डर के भागना मत 10 मिनट्स आई एम कमिंग बैक इन 10 मिनट्स मुर्दा कहीं का क्यों भाई क्या समझ रखा है तू बड़ा गुंडा समझता है चल अब रुला बच्ची को रुला बे अमजद भाई हूँ सुना है मेरा नाम कभी कौन है तू क्या नाम क्या तेरा बहुत तेरी अमजद भाई एक शॉट में गिर गए अमजद भाई अमजद भाई कम ऑन कम ऑन अमजद भाई कम ऑन मर गए क्या अरे मानते तो सीधे सीधे लाग अरे बोलना इसको अरे छोड़ बाप अरे मैं रो रहा छोड़ क्या अरे छोड़ 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 अरे मेरा हाथ छोड़ मर गया रे छोड़ 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 मेरे का छोड़ 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 अरे छोड़ मेरे बाप इसने हाथ कब का छोड़ दिया है वो रहा डिम्पल जाकर बजाओ उसे मारो उसे कम ऑन अरे तू चल अरे तू हट जा अरे तू हट जा मेरे काम अरे यहाँ क्यों रुका सुना है रामायण की शूटिंग बीच में ही रुक गई है मुझे इस गेटअप में देखने के बाद प्रोड्यूसर शायद राजी हो जाए उसका ऑफिस कहाँ है इसीलिए तुझे साथ लाया हूँ ढूंढना उसे अरे छोटे लगे तो नहीं क्या कर देखो देखो यही है मुंबई का निशाना और बहुत
बहुत है रे। हाँ अरे काम के नीचे दू उस तरह निकालू। अरे साला मर जाएगा, कोई आके इसे बचा लो, बेचारा मर जाएगा। साला होश खो बैठा है। अच्छा छोड़ निकल। पूजा बहन को सॉरी बोल। अरे माफी मांग बोल रहा हूँ ना। ऐसे हथकड़ी लगा कि मुंबई की बेटी को इस तरह रोड पर खड़ा कर दिया। अम्मा क्या बे, चल चल निकल यहाँ से साले। साहब, इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, सॉरी साहब, अब ऐसा आगे से नहीं होगा। साहब, खड़ूस इंस्पेक्टर कहीं का? भैया, अरे बड़े भैया, ए मूंगे बोलना, मुझे मालूम नहीं था साहब आप इतने बड़े साहब हैं। साहब 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 मुझसे बात करो। साहब 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 मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ऑटो में कस्टमर के भूले हुए पैसे मैं लौटा देता हूँ साहब, एक पैसा नहीं लेता। कमिश्नर ने मुझे बेस्ट ऑटो ड्राइवर का अवार्ड दिया है साहब। साहब इन थकेलों के साथ मुझे मत रखिए साहब, इज्जत का सवाल है साहब, सचमुच मेरा इज्जत का फलूदा हो रहा है साहब। साहब 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 ये लोग जानते हैं कि अमजद भाई कौन है, मैं इन लोगों को पैसे देता हूँ, परसों ही मैंने 100 रुपए दिए। पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाता है बदमाश। साहब साहब लेडीज का मामला था साहब, इसलिए पंगा ले लिया। आप भी तो लेते ना, अगर लेडीज मामला होता तो इसे टास्क फोर्स ऑफिस भेजो। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन कैप्टन। ओके 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 मैं देखता हूं। अरे बेचारी। अरे कैप्टन कैप्टन आओ कैप्टन, बिना कुछ सोचे समझे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। कैप्टन पूजा ने कुछ ऐसी वैसी बात कही और गुंडा समझ के मैंने इनके साथ मारपीट की, मुझे मालूम नहीं था कैप्टन। नहीं नहीं वो ऐसा आदमी नहीं है, बहुत ही शरीफ है, अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुझे बताया था ना मैंने, मेरी और सायरा की शादी में हीरो की तरह फाइट किया इसने। यही है वो। हो गई साहब, पता ही नहीं था कि आप इतने कड़क इंस्पेक्टर हैं। वर्दी ने पहन रखी थी ना, बड़ा कंफ्यूज हो गया। वो क्या है कि पूजा सिस्टर से बहुत प्यार करता हूँ साहब, अमजद भाई कह के रोई तो खून खौल उठा, इसलिए दौड़ा दौड़ा चलाया। लेकिन क्या मार मारा साहब, आपका मार मतलब सुपर मार साहब। लेकिन अभी पता चला कि आप कैप्टन साहब के दोस्त हैं। कैप्टन साहब के दोस्त मतलब अपना दोस्त, और आपको दोस्ती के लिए जान देगा साहब। हाथ मिलाओ साहब। जितने भी लोग उन फ्लैट्स में, उन सबके डिटेल्स चाहिए, समझे भाई? अरे क्या मारा है रे, क्या मारा रे, क्या खाता है रे वो। सब्र करो अमजद भाई, उसके बारे में गलत मत सोचना। नहीं नहीं साहब, वो मेरा खास दोस्त है, बचपन से, उसी समय से ही पुलिस में जाना चाहता था, दिन रात मेहनत किया, इसीलिए रैंक में सेलेक्ट हुआ। उसी के इंस्पिरेशन से मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया। आईपीएस बनने के 2 साल के अंदर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेस्ट ऑफिसर का मेडल पा चुका है। अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, अ ब्रिलियंट ऑफिसर, आई एम प्राउड ऑफ हिम। वो अपने देश में फैल रहे टेररिज्म को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसी गड़बड़ में अपने प्राणों से भी प्यारी स्वाति को खो दिया उसने, बस कहने के लिए जी रहा है, एक लाश की तरह। वो अपने अंदर कितना घुट रहा है किसी को नहीं पता, उसके ना बताने पर भी समझ सकता हूं मैं। सर, मैं पुलिस स्टेशन, वो कैप्टन अजय, अमजद भाई, वो याद आया? सर सॉरी सर, सर पुलिस ऑफिसर है, पता ही नहीं था, ओवर एक्ट किया। आई एम सॉरी सर, आप कैप्टन के फ्रेंड हैं, आई एम सॉरी सर। उस दिन, आई मीन दैट डे, जो भी हुआ मैं शर्मिंदा हूँ सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, सर वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर, सर सर आओ मुर्दा कहीं का। ये भी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, सीधा बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया ढोल कहीं का। मैं मुंबईया लड़की हूँ, इतनी सेक्सी हूँ, तरस खाकर सॉरी कहने गई और बाहर निकाल दिया। हीरो समझता है। नेक्स्ट टाइम मिला ना तो पलट कर नहीं देखूंगी उसे मैं, कमीना पुलिस।
दोबारा मिले तो मुंह फेर लेना, इतना गुस्सा तो नहीं दिखता। हाँ कुछ तो है। यस, खून खोल रहा है मेरा। दोबारा मिला तो उसकी शक्ल नोच लूंगी मैं। कौन हो तुम? कौन है ये? मिलिट्री मियां। कौन है? मिलिट्री मियां, मिलिट्री मियां, मिलिट्री मियां, मिलिट्री मियां, कैसे हैं? कौन है ये? कौन हो तुम? कौन हो मियां? अरे बाप रे, दो महीने से पैसे नहीं भेज रहे मियां। दो महीने मालूम, दो साल से दो दो बच्चे दो दो बार दे रहे हो। दो दो बच्चे? अजय ये क्या? सायरा, सायरा क्या मियां? दूसरे बीबी रखो, पहले पहले बंद करे तू। अरे कैप्टन, अरे पहचानो मुझे, मैं छोटा हूँ। अरे पूजा, पूजा मेरी बात तो सुनो। अरे चाची 420 वाले कमल हसन का गेटअप है ये। अरे मुन्ना तूने कहाँ भसवा दिया रे? अरे ये लोग मुझे मार डालेंगे अगर जल्दी आ तो। के किधर है तू? अब जल्दी आ। मित्रों, परम मित्रों, फ्रेंड्स, इस शाम की गोद भराई में। शाम की गोद भराई क्या है ये? शाम आप भी शुद्ध हिंदी बोलेंगे अमजद भाई? मेरे देश के वाशिंदों, हमारे कैप्टन अजय साहब ने बहुत मेहनत करके बेगम साहिबा सायरा बानू जी माँ बनने वाली है। ऐसे शुभ अवसर पर हम उन्हें और उनके होने वाले बच्चे के लिए उस भगवान से स्वास्थ्य और सुंदरता की खातिर दिल से दुआ मांगते हैं और अपने पवित्र भारत के महान कलाकारों की तरफ से एक रंगील महफिल नजराना है। मतलब जो हमारे फिल्मी कलाकार शारजा, दुबई, कतार और सऊदी में जाकर स्टेज शो करते हैं ना, वही स्टार नाइट। हेलो राधा सर। कैप्टन, हमारे बॉर्डर पर गोपनीय तरीके से पाकिस्तान आर्मी की एक्टिविटीज अचानक बढ़ गई हैं। इमीडिएटली रिपोर्ट करने का ऑर्डर है सर। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो राधा के पास चले जाना। जी कैप्टन। अमजद भाई, शर्मिंदा मत कीजिए कैप्टन साहब, बहन है हमारी, हम देख लेंगे। आप जाइए, जाकर उन पाकिस्तानी कुत्तों की खाल खींच दीजिए। आप चलिए कैप्टन, चलिए आप, देख लेंगे क्या होता है। कैप्टन, सल्यूट कैप्टन। जानता हूं, सब जानता हूं, तो क्यों गुस्से में रहता? पर ये अमजद दूसरी मिट्टी का है, सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा मुसलमान। खलील और अली पुलिस की गिरफ्त में, उनकी जुबान खुली तो मसूद भाई के लिए की गई हमारी सारी मेहनत बर्बाद। हमें कुछ दिनों के लिए चुप रहना होगा और किसी महफूज ठिकाने पर छुपना होगा। ओके, इस बीच पुलिस के कुत्तों को गुमराह करना होगा। ठीक है। रामदास नायक, प्रेम शर्मा, ये भी गए थे मुंबई से मस्जिद को किराने के लिए। इंसानों के डिटेल्स चाहिए। जय श्री राम। अजहर मेरे भाई, अजहर कहाँ चला गया था रे तू? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था मेरी जान? अरे देखो, देखो सब लोग देखो, मेरा भाई आ गया है, मेरा भाई आ गया है, देखो, देखो मेरा भाई आ गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तेरा लाख लाख अल्लाह। मेरा भाई, देखो खलील भाई, मेरा भाई लौट आया है, मेरा भाई लौट आया है।
खा ले। उस दिन क्या हुआ था रे? उस रोज दंगे में हिंदुओं ने मेरी नजरों के सामने इस्माइल भाई को मार दिया। या अल्लाह। सोचा मुझे भी खत्म कर देंगे, इसलिए मैं दुबई चला गया। उधर ही गए 2 साल से मैंने पेट्रोल पंप पे काम किया। अम्मी जान को आपको देखने का बहुत दिल हुआ, इसलिए वापस चला। अच्छा काम किया तू, अच्छा किया। तू खाना, बिरयानी खा। लेकिन क्या एक बात बोलूं? क्या है? मैं आ गया बोल के किसी को मत बोल। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बकरा काटना है, बिरयानी बनानी है, सारे नहीं भैया। क्या है? मेरे को डर लगता है भैया। अरे पागल क्यों डर रहा है तू? अरे मैं नहीं भैया, नहीं, मैं लौट आया बोल के किसी को मत बोलो भैया। अरे क्या होगा? हाँ क्या होगा? मैं आ गया, पता चला तो हिंदू लोग मार डालेंगे मेरे को। अरे पागल हो गया तू, ऐसा नहीं भैया। मां तू बोलना मां। अरे मां तू नहीं जाने देना, मत बोलना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है ठीक है ना? मसूद भाई को कभी भी कहीं भी देखा है क्या? मेरे को नहीं मालूम। जिंदा है कि मर चुका है? हाँ मैं देखा, जिंदा है। कब देखा तुम्हें? 10 दिन पहले। कहाँ? वैन में ले जा रहे थे। किधर? वो नहीं मालूम भाई, वो पुलिस वालों का मामला है, बहुत डेंजर मामला। क्या हुआ? ए मसूद, हमें अच्छी तरह पता है कि तेरे लिए शहर में कत्ल किए जा रहे हैं, तुझे रिहा करवाने के लिए प्लान बनवाया जा रहा है। अब तक तो तुझे पता चल गया कि इंडियन पुलिस क्या है। बोल। हमारा एक ही मकसद है, जिहाद। जिहाद? हाँ, पवित्र युद्ध। अपने खुदगर्जी के लिए शब्द का मतलब ही बदल दिया है तुम लोगों ने। तुम्हारे पैगंबर ने जिहाद को हक की लड़ाई कहा था, बेकसूरों का खून बहाने के लिए नहीं। ठीक उसी तरह हजारों साल पहले हमारे श्री कृष्ण भगवान ने हमारे भगवत गीता में भी युद्ध का आह्वान किया था। वैसे युद्ध की शुरुआत हमने कर दी तो 2 मिनट में तुम सब खाक में मिल जाओगे। ये नहीं होगा, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। शांति के पुजारी बनते हो तो अमन से रहो। काटने के लिए जिगर चाहिए जो तुम्हारे पास में नहीं है। अरे कायर हो तुम लोग, है तुम में दम? डरते हो ना? डर? ये डर नहीं है, इस व्यवस्था पर आस्था है हमारी। हम जान देकर दूसरों के धन की रक्षा करते आए हैं, किसी की जान नहीं लेते हम लोग। और तुम पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक तुम लोग धर्म के नाम पर मार काटी करते रहे कुत्ते। बकवास, मजहबों का मेल सब बकवास है। इस मुल्क में सर्वधर्म संभव है, सुनकर हंसी आती है। पॉलिटिकल ड्रामा है ये ड्रामा। पॉलिटिकल ड्रामा? मसूद, पवित्र काशी विश्वनाथ के भी दरवाजे खुलते हैं मुसलमान बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनने के बाद। इस देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर अभी तक बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, हिदायतुल्ला और अब अब्दुल कलाम। हमारे देश में श्री रामचंद्र और वेंकटेश स्वामी के साथ बुद्ध की भी पूजा होती है। यहां मुसलमान संत श्री शिरडी साई बाबा को भी लोग भगवान मानते हैं। हर घर में तस्वीर है उनकी, हर घर में मंदिर बना है उनका। ये एक एग्जाम्पल बहुत है हिंदू धर्म को समझने के लिए। लेक्चर अच्छा है, आगे आगे देखो, बहुत जल्दी ये तुम्हारा हिंदुस्तान जलकर खाक हो जाएगा। अमेरिका में देखा नहीं क्या हुआ? ये तो सिर्फ नमूना है। हमारे मदरसों के जिहादियों के हाथों तुम्हारे पार्लियामेंट की इमारतों को उड़ा दिया जाएगा। हिंदू काफिरों के मंदिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तुम्हारे ये तिरंगे को चीर के रख देंगे। सर इस कुत्ते से क्या बहस कर रहे हैं? क्या भौंक सुन रहे हैं इसकी? कल को इसे छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजैक करेगा, पब्लिक हॉस्टेज बनाएगा। सर ऐसे कुत्तों को तो सर हम गोली मार देनी चाहिए। सर इस कुत्ते के लिए टाइम वेस्ट, सिक्योरिटी वेस्ट, खाना वेस्ट। कौन है तू?
पहले तो तुझे नहीं देखा। बोलना रे, यहाँ क्या कर रहा है? शक्ल से तो तू हिंदुस्तानी नहीं दिखता। पाकिस्तानी है, अफगानी है, आईएसआई या ओसामा बिन लादेन? और कितने हैं तेरे साथ इंडिया में? ऐसा क्या देख रहा है रे? बंदी बनाकर थर्ड डिग्री, थर्टी डिग्री दिलाई ना तो सब उगल देगा। क्यों, आरडीएक्स कहां कहां छिपाया है? इधर छिपाया, उधर छिपाया, किधर किधर छिपाया? अमजद भाई, अरे मेरा छोटा भाई। अरे भूल ही गया मैं, पहचाना इसे? हाँ, अजहर है। अरे मेरा सगा भाई। जानता ना तू इसे? अल्लाह का शुक्र है लौट के आ गया, दुबई में रह रहा था। देख इसे, क्या रे एक्सरसाइज कर रहा है? ये है ना? अरे रहने दे, पहले मैंने शौक दे दिया, डर गया ना? सच बोलना, कैसी एक्टिंग करता हूँ? अरे इसको भी नहीं छोड़ा तू, ये ऐसा ही है, बहुत अच्छा एक्टर है, सबको चकमा देता है। देखना एक दिन शाहरुख खान बनेगा मेरा खान। क्या रे खाना खाया? चल खाते हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्में बनाई, मैंने कहीं भी नहीं देखा वो मेरी चमेली। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब भाषाओं में तेरी जैसी हीरोइन। मंचली ऑटो चलाने वाला हरामजादा अमजद मेरा दामाद बनेगा? अरे थू, ये प्यार का नाटक नहीं चलेगा। मासूम अली बोल के बहुत अच्छा दामाद मिला मुझे, दुबई में दो दो पेट्रोल पंप है, मालूम उसी से तेरा निकाह तय किया है। चुप, रोना बंद कर। तुम सब लोग समझाओ, तुम आओ। बेचारी जुबेदा पैसे के लालच में फंसा, उसकी शादी दूसरे से करवा रहा है, सही समय पे अमजद भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे अमजद, अमजद भाई, अरे मूर्ख अमजद भाई, कहां ढूंढे, दिखाई नहीं पड़ता किधर गया? अरे लोग बाग भी रास्ते में खड़े हैं। अरे पूजा तू, वो छोटे, अरे पूजा चाहो तो मिलके तुम्हारी बता देंगे। जुबेदा की शादी जबरन हो रही, बुट्टा मानता नहीं, अमजद दिखता नहीं, पता नहीं मूर्ख कहां चला गया। तुम जल्दी चलो जुबेदा को बचाना, तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम ही कुछ कर सकती हो। पूजा जल्दी चलो, तुम ही कुछ कर सकती हो। ताजमहल टी है क्या? ए ठहरो अंकल, किधर? अंकल जुबेदा को सजाने, समझाओ ये सब। ए ठहरो, ये हाइट वाली बेगम कौन? मैं बेगम हूँ अंकल, मेरे बाप का नाम हाउल्ला, चाचा चुल्ला, शाहरुखुल्ला, आप जानते हैं अंकल। तुम्हारा बाप का नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है, इसीलिए तो मैं लंबी पैदा हुई ना। तुम जरा अपने शक्ल दिखा। ये लोग पक्के तालिबानी मुस्लिम है, मियाँ के अलावा कोई और उनका चेहरा नहीं देख सकता। देखा तो मारा गया, ओसामा बिन लादेन। बेटी तुम भी समझाओ। ताल से ताल मिला। ओसामा बिन लादेन, सारे इंस्पेक्टर। अबे चल हट हट, यहाँ शादी वादी कितने होगी? अरे बुड्ढे, किस थकेले से शादी कर रहा है मेरी जुबेदा की? खाल खींच के रख दूंगा। अरे ओ जुबेदा, बाहर आना, फरार हो जाएंगे। अरे निकाह में क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? अरे गड़बड़ क्या है अभी बताता हूँ साले। भाई और बहनों, हम दोनों ने मिलकर क्या क्या किया है पता है? इसी ऑटो में पूरे शहर का चक्कर लगाया है। शादी से पहले? हाँ बहन जी, हम दोनों मिलकर गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए थे। शादी से पहले? हाँ भाई साहब, शादी से पहले। कुछ कुछ होता है पिक्चर देखी आपने? अरे 20 बार देखा हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के। बकवास बंद करो, पागलपन किया तो पुलिस को फोन करूंगा। इंस्पेक्टर, अरे पुलिस को बुला रहा है? बुला रहे पुलिस को, मैं क्या डरता हूँ? अरे बुड्ढे, मैं भी मुसलमान, जुबेदा भी मुसलमान, मैं बालिग, जुबेदा भी बालिग, लफड़ा इतने उल्टे जबरन उसकी शादी करवाई तो अंदर जाओगे।
जुबेदा चल फरार हो जाएंगे। जुबेदा मत आना। जुबेदा चलो अभी। जुबेदा मत आना। पूजा, 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 जुबेदा कहाँ है? यहाँ बेइंसाफी हो रही है, तुम जा रही हो मेरे और जुबेदा के फरार होने का कोई नहीं लेगा। अरे जुबेदा को अंदर बंद कर रखा है। जुबेदा आ जाओ, तेरे दोस्त भी आ गए हैं। मत आना। अरे कोई मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है। मैं मुसलमान जुबेदा मुसलमान मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं मालिक जुबेदा मालिक, पर ये बेवकूफ बुड्ढा हमारी शादी में अड़ंगा डाल रहा है। मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा। अरे मूर्ख जुबेदा। हाँ मैं बुर्के में जुबेदा गले। जुबेदा जुबेदा सर, ये मसूद को पकड़ते वक्त फिसल गया था, कई महीने बाद अब फिर से आ गया है शहर में। ओल्ड सिटी में ही कहीं छिपा है, हमारे आदमी खोज रहे हैं सर। छोड़ दे, मार दूंगा तेरी बीवी को। सिटी में जो मर्डर्स हो रहे हैं उनसे इसका कनेक्शन है, शायद मसूद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है ये। नमस्ते। सलाम साहब। वो क्या है कि कुछ नहीं साहब। कुछ क्या नहीं है साहब, आप तो जानते ही हैं ये दोनों बहुत दिनों से, इसके बाद ने दूसरी जगह शादी करनी चाहिए तो भगा के लाना पड़ा। ऐसा कोई लफड़ा नहीं है साहब, मतलब मैं भी बालिग ये भी बालिग है साहब, मैं भी मुस्लिम ये भी मुस्लिम, लेकिन इसका बाप बहुत बदमाश है साहब। हाँ कैप्टन ने कहा सर, कैप्टन साहब जाते जाते कह गए थे कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे मिलने। आपके पास ही आने को कहा था साहब, छोटी मोटी गड़बड़ होती तो हम खुद ही देख लेते साहब। साहब ये मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसमें जबरदस्ती कुछ भी नहीं है साहब, तुम्हें कुछ बोलो ना। जबरदस्ती कुछ नहीं है, मुझे कबूल है। नहीं तो इसका बाप पुलिस उसके साथ है साहब। साहब साहब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं साहब। आनंद यस सर, उस एरिया के इंस्पेक्टर्स कह दो अमजद को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर। चूड़ी बाजार की तीसरी गली है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया। नागपुर नहीं न्यूजीलैंड। गंगा गंगा गंगा, गंगा, गंगा। बिटिया ऊटी में शूटिंग में गई है। ऊटी गई? अरे 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 छोड़ मुझे, छोड़। कहाँ जा रहा है? कोई रास्ता भी तो नहीं था, मुझे फिल्मों से बहुत लगाव है। स्क्रीन पर खुद को देखना चाहती थी, कुछ भी हो बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी। माँ भी, मेरी माँ भी मुझे, मगर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। क्या कहूँ मैं, सारे बाबा लोगों को एडवांस बांट दिया है। एक बाबा एक्शन फिल्म बनाने को कह रहा है, दूसरा फैक्शन फिल्म, तीसरे रोमांस में पागल है, चौथे को रीमेक करना है। हिंदी डायरेक्टर नहीं चाहिए, हिंदी कहानी नहीं चाहिए। एक और बाबा है, डेट देगा या नहीं देगा मालूम नहीं, पागल कुत्ते हो चुके हैं। 40 प्रोड्यूसर्स को बोलता है नेक्स्ट पिक्चर आपकी, मैं 41वां हूं, भाड़ में जाए, मुझे फिल्में नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे जाने दो यार, हटो। अरे जाने दो यार, इतनी तकलीफें झेल कर फिल्म नहीं बनानी मुझे, किसके लिए बनाऊंगा? कौन? अरे कौन साहब? प्रोड्यूसर साहब, रघुराम जी, राम बाबू, सुरेश, अरे काम आ रही है सब के सब, तुम लोग जाओ अगले महीने आना। जाइए जाइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चले जाइए। ऐसा ही साहब, 170 फिल्म में साहब, सॉरी सर, हमारे रघुराम जी प्रोड्यूसर साहब को किसी ने किडनैप कर लिया साहब। बाप रे बाप, अंदर बम फट रहे हैं साहब, आप जल्दी आइए साहब। नक्सलाइट है, टेररिस्ट है या बिन लादेन, समझ में नहीं आ रहा साहब। बाप रे बाप, रूम के अंदर धमाका हो रहा है, जल्दी आइए। मेरे लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के, वंदे मातरम, फोर्टी फ्रेम्स, वंदे मातरम, मेरे देश के लोगों के लिए, 96 फ्रेम्स सर, वंदे मातरम, मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, 1500 फ्रेम्स सर, ग्राफिक्स, वंदे मातरम, स्लोली, वंदे मातरम कहकर, वंदे मातरम, सर, टॉप एंगल सर,
अकेला क्रेन सर, 24 का लेंसर, नॉर्मल फ्रेम सर। इस अमरवीर को आंसुओं की श्रद्धांजलि देते हुए सारे देवतागण बर्फ की बारिश कर रहे हैं सर। स्लोली क्रेन डाउन होती है सर एंड टाइटल शुरू होते हैं, रोलिंग टाइटल्स। उन टाइटल्स के ऊपर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ से भी महान ये मातृभूमि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। वंदे मातरम से एंड कार्ड साहब। अरे चल उठ रे साहब। कैसा है साहब? पहले हाथ तो खोलो, आंसू पोंछ। सॉरी सर, गलती हो गई सर, मत मानना सर। और कोई चारा नहीं था साहब, इसलिए बांध के सुना। सुपर रे, बम्पर रे, इतनी अच्छी कहानी लेकर कहाँ घूम रहे थे तुम लोग? सर मुझे कोई बाबा नहीं चाहिए। थैंक यू सर। तुम मेरे हीरो हो, तुम मेरे डायरेक्टर हो। थैंक यू सर। मैं फिल्म बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। अरे बाबे, मैं हीरो बन गया, ये डायरेक्टर बन गया। अरे छोटे हीरो बन गया अमजद भाई। अरे अमजद भाई, अरे साहब, ये हमारा छोटा हीरो बन गया हमारा। क्या हुआ साहब? अच्छा कैप्टन, कैप्टन साहब, गो बैक, बैक, गो बैक। भाई साहब, हमारे कैप्टन साहब को देखना है। hey! क्या देखेगा, क्या देखेगा? पकड़ कर ले गए इन्हें हरामजादे, युद्ध बंदी है ये जानकर भी इन्हें इतनी यातनाएं दी देश रक्षा का राज जानने के लिए। आंखें निकाल दी, आंखें निकाल दी, इनकी इनकी जीभ काट दी। आखिर में गुप्तांग, गुप्तांग भी। ओ पाकिस्तानी हरामजादो, अगर एक ही माँ बाप की पैदाइश हो तो हमारे सामने आकर युद्ध करो। 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे। हक, अब तक हम सिर्फ शांति की बात कर रहे थे, एक बार हमने जंग शुरू कर दी तो इंडियन आर्मी क्या है मालूम हो जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Let's go!
डैडी से बात करनी है तो टेंशन हो रही है, इसलिए मैं तुमसे पहले से बोल रहा हूँ। ये प्यार व्यार का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? सब कुछ हो जाने के बाद ऐसी बातें? क्या सब कुछ हो गया, क्या होने दिया तुमने? कितना ट्राई किया मैंने, हर बार यही कहती रही शादी के बाद जो होना है वो हो गया होता तो भी अच्छा होता। तुम्हारे पिताजी से पूछने के लिए स्ट्रांग एविडेंस तो होता मेरे पास। शट अप, ये टेंशन जो भी होगा मैं झेल लूंगी। इस जगह से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। पहले तुम निकलो, मैं 10 मिनट के बाद आऊंगी। हाँ सुनो तो जाओ। स्वाति जाने का मन नहीं कर रहा। शाम को फिर मिलेंगे। क्या हुआ? Go! सुनो ना। Stupid. कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी होकर इतनी इंटेलिजेंट हो सकती हो तो मैं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं, मुझे कितना होना चाहिए? 1 साल से तुम दोनों के बीच जो ये प्रेम चल रहा है, क्या समझते हो मुझे पता नहीं? इसीलिए रेड हैंडेड पकड़ा है तुमको। सर वो नाइस चॉइस। डैडी, पुलिस डिपार्टमेंट को जिस पर फक्र है उस राधा को चुन लिया है तुमने। बट आई एम सॉरी राधा, तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग तो दे दी, अच्छी अर्धांगिनी नहीं दे पा रहा हूँ। डैडी, 25 सालों से झेल रहा हूँ ये टॉर्चर। देखते नहीं, अब तुम झेलो। ऑल द वे। शैंपेन फॉर अ हैप्पी मैरिज। हे वेट 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 वेट, क्या जब तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे तो वो तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, है ना? वैसे ही ये तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए है। चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़े रखूंगी। Love you. I love you too. मगर मुझे खाना बनाना नहीं आता। और कपड़े साफ करना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना। बीवी कोई नौकरानी नहीं होती। ये सब काम दूसरों के साथ मैनेज किए जा सकते हैं। बस एक ही बात मुश्किल है। वो क्या? शाम में ऑफिस के बाद, नहाने के बाद, खाने के बाद, डिनर के बाद और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बीच जो गैप होता है ना, उसे दूसरों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हेलो, मैं अजय, तुरंत बांद्रा हिल्स में पहुंचो, मसूद यहाँ एक घर में छिपा है, जल्दी आओ। मसूद, ठीक है, तुम अकेले रिस्क मत लो, टास्क फोर्स को फोन करो, मैं इमीडिएटली पहुंचता हूँ। स्वाति तुम घर जाओ प्लीज। मैं चलूंगी। टेरेस का मामला है, खतरा तो तुम्हें भी है। स्वाति मैं साथ चलूंगी। स्वाति नहीं, प्लीज। कभी भी ले जाते हो, फोटो खींचना है, आर्टिकल छापना है, प्लीज प्लीज प्लीज। टाइम जा रहा है, शायद मसूद भाग जाएगा, चलो। स्वाति लिसन टू मी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हकीकत यह है कि ये मुल्क इन काफिरों का नहीं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का है। तब से अब तक हमारी हुकूमत थी यहाँ। कुछ गलत किया होगा हमने,
इसलिए इन हिंदुस्तानी काफिरों के साये में रहने की अल्लाह ने हमें सजा दी। दोबारा अल्लाह की हुकूमत लानी होगी। हिंदुस्तान को हमें पाकिस्तान बनाना है, इसलिए आप सबको पाकिस्तान भेज रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। पासपोर्ट रेडी है, जिहाद। मसूद इसी घर के अंदर है, कवर कर। कम ऑन, क्विक। अजय तुम कहाँ हो? तुम्हें अकल है कि नहीं? इसे क्यों लाया? मुझसे क्यों पूछ? तो इसे पूछ। गो गो गो। अजय गाइस देम। ओके कम ऑन स्वाति, कम ऑन। क्या करूं, फोटो तो नहीं लूं। क्या हुआ? मैं डर गई थी। AK-47 है? स्वाति पीछे आओ। इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। कम ऑन स्वाति, कम ऑन, कम ऑन। फोटो खींचने दो ना प्लीज। रुक जाओ। Are you okay? Masood bhai!
मसूद भाई, मसूद भाई, नहीं, मैं छोडूंगा नहीं। दादा, 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 स्वाति, स्वाति, दादा, स्वाति, 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 माय गॉड, राधा, कितनी बुलेट्स होती हैं गन में? ये सब बातें मत करो। सारी गोलियां लगी मुझे। स्वाति, प्लीज। दर्द, दर्द हो रहा है राधा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, फोटो अच्छे आए होंगे ना? हाँ, अच्छे आएंगे। इमीडिएटली प्रिंट्स धुलवाओगे ना? हाँ, हाँ धुलवाऊंगा। जल्दी, जल्दी, मुझे देखना है। हमारी सुहागरात में भी मुझे ऐसे ही उठा के ले जाओगे? शरब स्वाति, थोड़ी देर चुप रह सकती हो? ए, ए, रो रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगी नहीं। स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I love you। बिल्कुल ठीक हो जाओगे स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्वाति, मैं बाबा नहीं हूँ। कृपा करके मुझे मत बिगाड़ो। और हाँ, मेरी नेक्स्ट पिक्चर भी रघुराम साहब की होगी, जिन्होंने मुझे एक्टर बनाया, आपके लिए नहीं। सो प्लीज, मुझे गलत मत समझना और नाराज मत होना। हटो हटो हटो, छोटे छोटे, तुम अंदर जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। साहब, ये साहब खान लोगों जैसे नहीं है, आप चलिए प्लीज, आपसे कह रहा हूँ। ये समझते नहीं। क्यों मना, कैसा लगा? बहुत अच्छा हुआ, डेफिनेटली वर्कआउट होगा, तो फिक्र मत कर। अरे बॉस, अपने वो शेड्यूल का क्या हुआ यार? का छोटे, बढ़िया है तू? शॉट रेडी है, चल, डायरेक्टर वेट कर रहा है तेरी, चल। लाइफ में अकेलापन कितना खलता है मैं जानता हूं। अपनी वाइफ को खो दिया, अपनी स्वाति बिटिया को खो दिया। मैं जानता हूं तुम स्वाति को भूल नहीं सकते, पर भूलना होगा। क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है। कितने दिनों तक अपने आप में घुटकर जीते रहोगे? ऐ, तुम्हें इस हाल में देख नहीं सकता मैं। मेरे लिए स्वाति और पूजा में कोई फर्क नहीं है। इसके पिता मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये भी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती भी है। मेरा कहना मानो, पूजा से शादी कर लो, तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मेरी बात मानो राधा। सलाम साहब। कॉफी लीजिए डैडी। बेटा, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। इसको पकड़ो, आपसे कुछ बात करनी है।
सर पूजा। हेलो, छोटी सी इंफॉर्मेशन, 5 करोड़। 5 करोड़। क्या पूछना है? मौलाना मसूद असर कहाँ? क्या हुआ राधा? अभी आया सर। बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क क्या है साहब? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दिया तो यहां से सीधा दुबई भेज देंगे पूरी फैमिली के साथ। सारा अरेंजमेंट हम करेंगे। बस मसूद भाई कहां है? मस्जिद है साहब, ऐसे जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते, गलत है। अरे 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 कहाँ जा रहे साहब? साहब साहब बोल रहा हूँ साहब, समझे नहीं साहब? साहब रुको साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो साहब, आपको क्या हो गया साहब? साहब अंदर नहीं जा सकते साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, आप चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते साहब। अंदर नहीं जा सकते। अरे
ठीक नहीं है साहब ये। ड्यूटी में हो तो भी क्या जूते पहन के मस्जिद के अंदर जाएंगे साहब? इसी तरह हम भी मंदिर में जाएं तो क्या आप खामोश रहेंगे साहब? क्या आपका मंदिर पवित्र है तो हमारी मस्जिद नहीं? क्यों साहब, जब भी देखो हम पर शक करते रहते हैं। पागलपन है साहब ये, कोई क्रिमिनल मंदिर में घुस गया, किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में कुछ किया बोल के हमें क्यों सताते हैं साहब? साहब हम मुसलमान ही सही लेकिन हम भी हिंदुस्तानी हैं, आपके जैसे इंडियंस। अबे हट, तुम लोग इंडियंस हो? थू, इस देश में रहकर भी 24 घंटे पाकिस्तान का नाम लेते हो तुम लोग। क्रिकेट में भारत की हार होती है तो मिठाइयां बांटते हो, अमेरिका में लादेन टावर्स गिराते हो तुम लोग, यहाँ डांस करते हो, मदरसों में भारत के खिलाफ तालीम देते हो तुम लोग। तुम्हारे घर, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी मस्जिदें, सबके सब पाकिस्तानी ISI को शेल्टर देते हैं। तुम इंडियंस हो? थू, साहब 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 क्या बोल रहे हैं आप? साहब ये ISI हम नहीं जानते हैं, क्या हम ऐसे दिखते हैं आपको? साहब हम भी आपकी ही तरह दिन रात मेहनत करके शराफत से जी रहे हैं साहब, मगर आप लोगों के बार बार शक करने से कब क्या हो जाए सोच के डर लगता है साहब। अरे ये भी क्या जी रहा है साहब, कुत्तों के जैसे जी रहे हैं हम यहाँ पर। इतना ही डर है तो यहाँ क्यों रह रहे हो तुम लोग? चले जाओ अपने पाकिस्तान में। अरे आप कौन है हमें चले जाने को कहने वाले? आपका है, सिर्फ आपका है क्या ये देश? अरे हम भी यही के हैं, हमारा पाकिस्तान नहीं है, हम भी आपकी तरह यही पैदा हुए, आपकी तरह यही पले हैं हम, आप लोगों जैसा यही की मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा भी है ये देश, कैसे अलग कर सकते हैं हमें? भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा किया इसलिए जो दुनिया में कहीं नहीं है वो भारत में है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, हमने वही 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 गलती हुई हमसे। ऐसा भरोसा करके ही मुंबई में ब्लास्ट हुए, कश्मीर में गड़बड़ हुई, मंदिर में अटैक हुआ, इतना होने के बाद भी तुम पर भरोसा करके लाहौर तक बस भेजा हमने, और तुम लोगों ने कारगिल में धोखा दिया, पीठ में छुरा फोका। या अल्लाह गलत बोल रहे हैं साहब, कारगिल से हमारा क्या रिश्ता? हम जानते तक नहीं कि वो क्या चीज है, वहां धोखा दिया पाकिस्तानी बदमाशों ने साहब, उन सालों ने किया ये सब, हम वो नहीं है साहब। साहब नमाज पढ़ने वाले सभी पाकिस्तानी नहीं है साहब, इस्लाम माने सिर्फ पाकिस्तान नहीं है साहब, दुनिया के कई जगहों में इस्लाम है साहब, इसमें पाकिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा है साहब। साहब देश और ईश्वर दोनों में कैसा रिश्ता साहब? वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है साहब, मगर वो पाकिस्तानी है साहब, हम हैं इंडियंस, युगों से यहां रह रहे हैं साहब और यही रहेंगे। ए, तुम लोग यहां नहीं रह रहे, हमारी रहम की वजह से यहां पर हो। तुम्हारा पैगंबर यहां का नहीं है, धर्म ग्रंथ यहां का नहीं है, तुम्हारे अल्लाह से इस्लाम से जुड़ा कोई धर्म स्थल हमारे भारत में नहीं है, कैसे कह सकते हो इसे अपना देश? हमारी मां को चीर कर अपने लिए पाकिस्तान बनाने के बाद भी तुम लोगों पर तरस खाकर हमने तुम्हें यहां रहने दिया, ये याद रखना समझे? तरस खाकर रहने देने की क्या बात है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, मरते दम तक हम यहीं रहेंगे, ये हमारी मां है, ये देश हमारा है, हमारा। जय श्री राम, सभी टिकट्स कंफर्म है? तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग यहाँ आउटडोर कुल्लू मनाली वाया दिल्ली। तुम कहाँ जा रही हो? दिल्ली दोस्त की शादी में। अरे बहुत खूबसूरत लग रही हो, अरे छोटे के साथ हीरोइन क्यों बन जाती तुम? तुम्हें क्या कमी है? कैसी कैसी लड़की अदर भाई? अरे अरे कहीं जा रहे हो? किसी को छोड़ने आए थे? अरे आने से पहले अमजद भाई को बताना नहीं हुआ कि हम लोग आउटडोर पे जा रहे हैं? अच्छा हमारे अमजद भाई का छोटा भाई अदर भाई। हेलो फोन बॉस,
साहब अहमदाबाद एक्सप्रेस में कंपार्टमेंट ब्लास्ट कर दिया साहब। आधार खान और उनके गैंग ने दूसरा कंपार्टमेंट कैप्चर करके पैसेंजर को हॉस्टेज बना लिया साहब। बहुत से लोग मारे गए साहब। हालत बहुत खराब है साहब। वो ब्लास्ट मैंने ही किया है। मैं हूँ अजहर खान। ए पुलिस, इट इज जस्ट अ सैंपल। मसूद भाई और मेरे भाई अमजद को लेकर 20 मिनट के अंदर तुम यहाँ स्टेशन पहुंचो हेलीकॉप्टर के साथ। नहीं तो अगर हमने दूसरा ब्लास्ट किया तो स्टेशन के आसपास 5 किलोमीटर तक का एरिया पूरा स्मैश। तुम अजहर नाम से किसी को जानते हो? अजहर? अजहर तो मेरा भाई है साहब, मेरा छोटा भाई। क्या हुआ अजहर को साहब? क्या अरे अजहर को टीवी में क्यों दिखा रहे हैं साहब? साहब कौन है साहब? हेलो भैया, मैं अजहर। भैया तुम ठीक हो ना? अरे अजहर भैया तुम डरो मत, तुम मसूद भाई के साथ इधर आ जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कंट्रोल है सर, छोड़िए मुझे सर, छोड़िए मुझे सर। नहीं सर, राधा आपको नहीं मालूम सर, सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। शुड अप भाई, मुझे सब पता है, मैं भी उसे खत्म करना चाहता हूँ, पर क्या करें, हजारों लोगों की जान खतरे में है। मसूद को छोड़ना होगा। नहीं सर, नहीं। दिस इज माई ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर। बुर्का हटाओ। हटा दो। सबको बाहर भेज दो, जल्दी सब बाहर चले जाओ। कम ऑन, मूव मूव।
लड़की को उड़ा दूंगा, समझा तू? साहब नहीं जाना है साहब, मुझे मत भगवो भेजो साहब, साहब साहब नहीं जाऊंगा, ए अजर ये सब छोड़ दे, पागल बना ये साहब, साहब मैं नहीं जाऊंगा साहब। पागल हो गए हो तुम, बकवास मत करो, छोड़ दो मसूद भाई को, वक्त नहीं है हमारे पास, हम पाकिस्तान जाएंगे। ए पुलिस क्या देखता है, छोड़ दे मसूद भाई को, छोड़ साले, कहाँ जा रहे तू चले, कहाँ जा रहे तू? भैया क्या कर रहे हो, मसूद भाई को छोड़ दो, उड़ा दूंगा इसको मैं। मेरे भाई को ए पुलिस क्या देख रहा है, उड़ा दूंगा इसको मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ए भैया, ए भैया उड़ा दूंगा इसको मैं, पागलपन मत करो मसूद भाई को, ए पुलिस छोड़ा उसको, ए मजाक नहीं कर रहा हूँ। अमजद भाई, पूजा, ओ शिट, अमजद छोटे सर सुनो, बॉम्ब भी डिफ्यूज नहीं हुआ, कभी भी फट सकता है, तुम लोग सबको बाहर भेज दो, कम ऑन क्विक, चलो 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 जल्दी, चलो 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 बाहर निकलो यहां से, जल्दी चलो जल्दी, पीछे चलो पीछे चलो, बाहर निकलो, चलो भाग रहो, चलो जल्दी जल्दी बाहर जाओ, चलो साहब चलो, अरे चलो पूजा हिलना मत। हां सर, ब्लैक आरडीएस बॉक्स में बैटरी कनेक्टेड है, हाँ सेल फोन बैटरी ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर दिया है, सिग्नल सेल अभी ऑन है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, ओपन कर रहा हूँ सर, ओके पूजा हिला मत, ओके सर
डिस्कनेक्ट कर दिया सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। यस सर मैं मिलूंगा आपसे। इट्स ओके पूजा, इट्स ओके। माँ और जुबेदा को जरा संभाल के मक्का ले जाना। हाँ अपने अल्लाह को मेरा बहुत बहुत सलाम कहना, मेरे लिए भी कुछ। अरे तेरे लिए क्या सलाम साहब, कब से माँ को मक्का ले जाना चाह रहा था, अब नसीब हुआ। बहुत शुक्रिया साहब। अमजद भाई आप छोड़ने आए, ये हमारी किस्मत है साहब। अमजद भाई शुक्रिया साहब। साहब मेरी माँ है साहब। माँ कैप्टन साहब के दोस्त है राधा साहब, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है। माँ जुबेदा थैंक्स बोल। थैंक यू साहब। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके बेटे। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? मेरा भाई नहीं था साहब। क्यों माँ? वो गद्दार था, गद्दार। अरे भाई है तो ये। अमजद भाई मेरी जान, शाहरुख खान। क्यों साहब आप भी तो हमारे भाई हैं। क्यों माँ? माँ है आपकी, दुआ दे माँ। बेटा अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्या रे हीरो? अल्लाहु अकबर, जय बजरंगबली। चटक झुम झुम झुम, ये दोनों मिलते हैं बच्चे बन जाते हैं। चटक झुम झुम झुम, चटक झुम झुम झुम, चटक झुम झुम झुम।